खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस की क्रूरता से भला कौन अनजान है। आतंक के आका अबू बकर अल बगदादी और उसके राक्षसी गुट के चेलों ने इराक और उसके आसपास के देशों में जो दहशत फैलाई हुई है उससे कोई अछूता नहीं रहा है। लेकिन इन जगहों पर अपना खात्मा होता देख बगदादी ने बनाया है पाकिस्तान प्लान। आखिर पाकिस्तान में आईएसआईएस के कितने हैं हमदर्द। तो दुनिया भर में आतंक का पर्याय बन चुके अबू बकर अल बगदादी और उसके चेलों ने इराक में अपने पैर उखड़ते देख अब एशियाई देशों में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। और इसके लिए सबसे मुफीद जगह के तौर पर उसने चुना है पाकिस्तान को, और इसका सबूत भी आईएसआईएस ने दे दिया है। इराक में सफाई की कगार पर पहुंचा आईएसआईएस। अब पाकिस्तान में पसार रहा है पैर। पाकिस्तान में आतंकियों की भर्ती कर रहा है आईएसआईएस। आईएसआईएस की यह खबर भारत और पाकिस्तान के लिए बनेगी बड़ा खतरा। धुन धुआ और गुब्बारधार की यह तस्वीर है इराक के मोसुल की, जहां खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी आईएस के आतंकियों के खिलाफ सेना का निर्णायक जंग जारी है। इस लड़ाई में आतंक के आका के साथ साथ उसके चेले का भी खात्मा तय माना जा रहा है, क्योंकि इराकी आर्मी समेत अन्य देशों की फौजों ने जिस तरह बगदादी और उसके चेलों पर धावा बोला है उससे आतंक के इस राक्षसों का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा है। शायद यही कारण है कि दुनिया भर में आतंक का दूसरा नाम बन चुके अबू बकर अल बगदादी और उसके चेले इराक में अपना पैर उखड़ता थे, अब एशियाई देशों में अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। क्योंकि आतंक के आका यानी बगदादी जानता है कि अगर उसकी आतंक की सल्तनत का चमकता सितारा एक बार गर्दिश में गया तो चाहे वो नाक रगड़ कर मर जाए फिर भी उसके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने वाले। और इसी को खत्म करने के लिए इराकी सेना मोसूल को लगभग हर तरफ से घेर चुकी है। यह इराक में आईएस का अंतिम सबसे बड़ा गढ़ है, यानी शहर पर ज्यों ही पूरी तरह से इराकी सेनाओं का कब्जा हुआ वैसे ही बगदादी के आतंक का खात्मा तय हो जाएगा। और यही कारण कि आईएसआईएस सीरियाई देशों के बाद अब एशियाई देशों को अपना अड्डा बनाने में जुट गया है, और इसके लिए सबसे मुफीद जगह के तौर पर चुना गया है पाकिस्तान को। एक हालिया घटनाक्रम के मुताबिक आईएसआईएस पाकिस्तान में अपनी मौजूदगी और सक्रियता बढ़ा रहा है। ये संगठन यहाँ स्थानीय आतंकवादी समूहों और उज़्बेक आतंकियों की भर्ती कर रहा है, साथ ही तालिबानी लड़ाकों और पाकिस्तान के सबसे हिंसक सांप्रदायिक संगठनों को भी आईएसआईएस अपने संगठन में शामिल कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट समाचार प्लस। खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस ने अब पाकिस्तान में अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी हैं, और इसके लिए उसने अपने संगठन में पाकिस्तान के कई आतंकी संगठनों को भी जोड़ दिया है। इतना ही नहीं, मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की नर्सरी में पैदा हुए आतंकी भी पाकिस्तान में आईएस का झंडा बुलंद कर रहे हैं।
पाकिस्तान की तरफ बढ़ने लगा आईएसआईएस के कदम। आतंक के गढ़ पाकिस्तान में अब आईएसआईएस ने भी दी दस्तक। पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के साथ मिलकर पाकिस्तान में पैर फैला रहा आईएसआईएस। इराक और अन्य देशों में आतंक का पर्याय बन चुका आतंकी संगठन आईएसआईएस के कदम अब पाकिस्तान की तरफ बढ़ने लगे हैं। पाकिस्तान के लाहौर में इस्लामिक स्टेट के 9 सदस्यों की गिरफ्तारी तो कम से कम यही कह रही है। हालांकि पाकिस्तान के पुलिस अधिकारियों, तालिबान अधिकारियों और विशेषज्ञों ने भी इस बात का खुलासा किया है। पंजाब के आतंकवाद निरोधक विभाग यानी CTD ने कहा है, हमने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के एक प्रकोष्ठ का भंडाफोड़ किया है जो लाहौर में सक्रिय था। इस बाबत 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रकोष्ठ नए सदस्यों की भर्ती कर रहा था और उन्हें सीरिया और अफगानिस्तान में भेज रहा था। प्रकोष्ठ पहले ही 9 लोगों को सीरिया भेज चुका है। इन सभी की गिरफ्तारी पिछले हफ्ते छावनी इलाके में की गई एक छापेमारी के दौरान हुई है। ये गिरोह पाकिस्तान में IS का मजबूत नेटवर्क स्थापित करना चाहता था। इस 9 लोगों की गिरफ्तारी के बाद पंजाब के विभिन्न हिस्सों से हाल में गिरफ्तार किए गए IS समूह से जुड़े सदस्यों की संख्या अब बढ़कर 45 हो गई है। गिरफ्तार किए गए संदिग्धों में लाहौर IS प्रमुख नबील अहमद और अबू अब्दुल्ला शामिल है। CTD के एक अधिकारी के मुताबिक प्रकोष्ठ न सिर्फ आतंकियों की भर्ती कर रहा था बल्कि युवाओं को कट्टर भी बना रहा था और उन्हें उनके परिवारों के साथ सीरिया या अफगानिस्तान भेज रहा था। ये कथित तौर पर पाकिस्तान में IS का संगठनात्मक ढांचा बनाने पर काम कर रहा था। समूह देश में खिलाफत का ऐलान करने के बाद पाकिस्तान में अपनी गतिविधियां भी बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा था। गिरफ्तार किए गए शख्स बैंकों और शिया तथा अहमदियों समुदाय के मजारों और घरों में लूटपाट करने में भी शामिल है ताकि आतंकी गतिविधियों के लिए कोष हासिल किया जा सके। बताया जा रहा है कि IS पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के साथ मिलकर इस काम को अंजाम दे रहा है। इसके लिए IS वहां स्थानीय आतंकवादियों और उज़्बेक आतंकियों को अपने संगठन में भर्ती कर रहा है। पाकिस्तान के पुलिस अधिकारियों के मुताबिक IS पाकिस्तान में असंतुष्ट तालिबानी लड़ाकों को भी भर्ती कर रहा है। वहां के सबसे ज्यादा हिंसक संगठनों को अपने समूह में भर्ती करने में जुटा है। इसके लिए वे युवाओं को तरह तरह का लालच भी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, कहा तो यहां तक जा रहा है कि मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की नर्सरी में पैदा हुए आतंकी भी पाकिस्तान में IS का झंडा उठा रहे हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि पाकिस्तान की नवाज सरकार IS के इस कदम को रोकने के लिए क्या उपाय करेगी, लेकिन पुलिस अधिकारियों की यदि माने तो IS ने न केवल आतंकियों की भर्ती कर रहा है बल्कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन से भी मिल गया है। बता दें कि इस समय इराक की फौजें मोसुल में IS के आतंकी ठिकानों पर लगातार हमले कर रही है। इसमें उन्हें अमेरिका और अन्य देशों की फौज का भी साथ मिल रहा है और इस लड़ाई में आतंक के खलीफा बगदादी का अंत तय माना जा रहा है। रिपोर्ट समाचार। पाकिस्तान में IS की एंट्री का सबूत पिछले कुछ महीनों से ही मिल रहा है, खासकर तब जब अशांत बलूचिस्तान प्रांत की एक मशहूर सूफी दरगाह के पास जोरदार धमाका हुआ था। इसके अलावा बलूचिस्तान की पुलिस अकादमी में हुए हमले में भी IS ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। आतंकी सरजमी पाकिस्तान में हुए इन धमाकों की जिम्मेदारी IS ने ले ली है। पाकिस्तान में IS की मौजूदगी का मिला सबूत। पाकिस्तान में दिखने लगी है IS की हलन। नापाक आतंकी संगठनों से हाथ मिला रहा IS। सुन्नी आतंकी संगठन दे रहे हैं IS का साथ। पाकिस्तान में IS की सक्रियता का सबूत पिछले महीने ही मिल चुका था।
जब पाकिस्तान के एक सूफी दरगाह पर हमला किया गया था। दरअसल 13 नवंबर शनिवार के दिन पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत एक मशहूर सूफी दरगाह में जबरदस्त आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें महिलाओं और बच्चे समेत 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। आतंकी सरजमी पाकिस्तान में हुए इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी गुट IS ने लिया था। इस हमले के बाद IS ने दावा किया था कि हमले को अंजाम उसने दिया है। ये विस्फोट प्रांत के दूरस्थ खूसदार जिले के हब क्षेत्र में स्थित सूफी दरगाह शाह नूरानी में उस वक्त हुआ था जब वहाँ सूफी नृत्य धमाल चल रहा था और वहाँ बड़ी संख्या में जायरीन मौजूद थे। धमाके के वक्त वहाँ करीब 1000 लोग मौजूद थे। हादसे के बाद स्थानीय मीडिया में पुलिस के हवाले से कहा गया कि आत्मघाती हमला था और इसे 14 साल के एक लड़के ने अंजाम दिया है। हमले की जिम्मेदारी लेते हुए IS ने एक बयान जारी कर कहा, उसके एक फिदायीन हमलावर ने शिया संप्रदाय के मुसलमानों के हत्या के मकसद से दरगाह पर हमला किया था। इस बयान में हमलावर की तस्वीर भी जारी की गई। इसके अलावा पिछले महीने बलूचिस्तान की पुलिस अकादमी में हुए हमले में शामिल हमलावरों में से एक की तस्वीर भी IS ने जारी की। इसके बाद दो तालिबानी अधिकारियों ने बताया, हमलावर उज्बेक मूल का था और संभावित तौर पर उज्बेकिस्तान के इस्लामिक मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ था। 26 अक्टूबर को हुए इस हमले में 60 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। मरने वालों में से ज्यादातर पुलिस में भर्ती होने वाले लोग थे। 3 आतंकवादियों ने अकादमी पर हमला किया और सुरक्षा बलों के साथ इनकी कई घंटों तक मुठभेड़। बता दें कि तालिबानी नेतृत्व ने अपने लोगों की मीडिया से बात करने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इस हमले पर अधिकारियों ने पहले कहा कि पुलिस अकादमी पर हुए हमले के पीछे अफगानिस्तान में छुपे आतंकवादियों का हाथ है। साथ ही उन्होंने इस हमले के लिए पाकिस्तान के शिया विरोधी संगठन लश्कर ए जांगवी को भी जिम्मेदार बताया। बाद में IS ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। हालांकि लश्कर ए जांगवी के प्रवक्ता ने भी कहा था कि उन्होंने IS के साथ मिलकर इस हमले को अंजाम दिया है। बहरहाल पाकिस्तान के स्थानीय संगठनों का इस तरह से IS के साथ मिलकर आतंकी हमले करना इस बात का संकेत देता है कि इस्लामिक स्टेट किस तरह पाकिस्तान में घुस रहा है। लेकिन ये तस्वीर की केवल एक ही हिस्सा है। पाकिस्तान और अफगानी तालिबान के सदस्यों ने भी IS के साथ हाथ मिला लिया है। अब वे खुद को IS का लड़ाका कहते हैं। वहीं पाकिस्तान के अंदर IS की रणनीति अलग दिख रही है और वह रणनीति है कि यहाँ स्थानीय संगठन उसके साथ मिलकर हमलों को अंजाम देते हैं और IS इन हमलों की जिम्मेदारी लेता है। पाकिस्तान के एक रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर IS का अपना आधिकारिक संगठन नहीं है। हाँ, इतना तय है कि उनके पास पाकिस्तान के कुछ प्रतिबंधित आतंकी संगठनों का समर्थन और सहयोग है। इनमें सुन्नी सांप्रदायिक संगठन प्रमुख है। ये उसी तरह का गठजोड़ है जैसे कि हम वैश्विक जिहादी संगठनों और स्थानीय सांप्रदायिक समूहों के बीच देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आतंकी संगठनों ने अपने ग्रुप का नाम द इस्लामिक स्टेट इन खुरासन रख लिया है। उल्लेखनीय है कि खुरासन एक प्राचीन भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान का काफी बड़ा हिस्सा आता है। यहाँ IS ने अफगानिस्तान के पूर्वी नागहार प्रांत में अपना बेस स्थापित किया हुआ है। इस समूह ने इराक और सीरिया में सक्रिय IS के प्रति निष्ठा भी जताई है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि दोनों के बीच सीधा ऑपरेशनल और वित्तीय संबंध है या नहीं। एक अनुमान के मुताबिक अफगानिस्तान में सक्रिय IS के ज्यादातर आतंकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ही है। उनके साथ कुछ तादाद विदेशी लड़ाकों के भी है। इन विदेशी लड़ाकों में से ज्यादातर मध्य एशिया के रहने वाले हैं। इस समूह का नेता हाफिज सईद खान जुलाई में हुए एक ड्रोन हमले में मारा गया था। इससे पहले वह पाकिस्तान तालिबान का कमांडर था। IS ने हालांकि खान की मौत के बारे में कभी पुष्टि नहीं की, लेकिन अफगान और अमेरिकी सेना द्वारा उसके मारे जाने की पुष्टि की जा चुकी है। पाकिस्तान के आतंकवाद निरोधी अधिकारियों का कहना है कि IS के आतंकी सोशल मीडिया पर अपनी मजबूत उपस्थिति के सहारे पाकिस्तान के स्थानीय आतंकवादियों के साथ संपर्क कर पा रहा है, जिससे वे युवाओं को प्रभावित कर रहा है। गौरतलब है कि रात से IS का सफाया लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन अब इसके बाद IS ने पाकिस्तान को अपनी शरण स्थली बनाने का काम शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। पाकिस्तान में अपने पैर पसारने की कोशिश में लगे IS ने इराक के शहरों में ऐसी दहशत फैलाई हुई है कि आज 3000 साल पुराना शहर मोसूल, जो कभी अपने शैक्षिक संस्थानों के लिए जाना जाता था, आज अपने भविष्य पर रो रहा है। आखिर कैसे, देखिए खास रिपोर्ट।
आईएस ने 4 लाख बच्चों का किया ब्रेन वॉश। बच्चों के हाथ में किताब की जगह थमादी बंदूक। बच्चों को आतंकी बनाने के लिए आईएसआईएस ने बदल दी स्कूल की सिलेबस। खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस की क्रूरता से भला कौन अनजान है। आतंक के आका अबू बकर अल बगदाद और उसके राक्षसी समूह के चेलों ने इराक में शहरों में जो दहशत फैलाया है उससे कोई अछूता नहीं रहा, चाहे वह मारकर हो या मारने वाला बनाकर। हर स्तर पर आईएसआईएस के आतंकियों ने अपनी क्रूरता दिखाई है जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। आलम ये है कि इराकी शहर मोसुल का लगभग हर बच्चा कम से कम बंदूक चलाना सीख चुका है। 3000 साल पुराना शहर मोसुल, जो कभी अपने शैक्षिक संस्थानों के लिए जाना जाता था, आज वह भविष्य पर रो रहा है क्योंकि पिछले 2 सालों में इस्लामिक स्टेट यानी आईएस ने मोसुल के बच्चे को अपनी ढाल बनाने का जो काम किया है वो आज भी जारी है। इस दौरान बच्चे को न सिर्फ हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई बल्कि आत्मघाती हमलावर भी बनाया गया। ऐसे में जब मोसुल को इराकी सेना पूरी तरह आजाद कराने वाली है तो आईएस द्वारा इन बच्चों का इस्तेमाल किए जाने की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। इराकी मानव अधिकार आयोग के मुताबिक आईएस ने करीब 4 लाख से भी अधिक बच्चों का ब्रेन वॉश किया है। इसके लिए बगदादी और उसके चेलों ने करीब 2 साल पहले जब मोसुल पर कब्जा किया था तो सबसे पहले स्कूलों पर अपना अधिकार जमाया और एक सोची समझी साजिश के तहत अधिकतर पुरुषों की हत्या के बाद महिलाओं को कैद कर लिया गया। इसी रणनीति के तहत सबसे पहले आतंकियों ने बच्चों की पढ़ाई में बड़े बदलाव किए और सिलेबस को पूरी तरीके से धर्म और कट्टरता पर आधारित बना दिया। मानवाधिकार आयोग के मीडिया निदेशक के मुताबिक सिलेबस में बच्चों को बंदूक चलाना, आत्मघाती हमलावर बनाना, सुसाइड बेल्ट तैयार करना, महिलाओं को बंधक बनाना और दुश्मन को फंसाने के तरकीबें बताई गई थी। सिलेबस में दूसरे बच्चे को भी आईएस का अनुयायी बनाने के लिए कहा गया था। इतना जब आईएस का बच्चों को पढ़ाने का खर्च नहीं चलता था तो वे संयुक्त राष्ट्र में फर्जी फोन कॉल के सहारे आर्थिक मदद की भी मांग करते थे। ऐसे में जब आतंकियों की राजधानी मोसुल से इराकी सेना बगदादी और उसके चेलों को खदेड़ने वाली है तो आईएस इन बच्चों का सहारा ले रहा है। गौरतलब है जून 2014 में जिहादी लड़ाकों द्वारा इराक के कुछ इलाके पर कब्जा कर लेने के बाद अबू बकर अल बगदादी सार्वजनिक रूप से मोसुल में दिखाई दिया था और वहां से उसने इराक और सीरिया में इस्लामिक राज्य की स्थापना की घोषणा की थी। तब अबू बकर अल बगदादी ने खुद को खलीफा घोषित कर लिया और मोसुल को अपने आतंक का गढ़ बना लिया। मोसुल पर कब्जे के साथ ही आईएसआईएस ताकतवर होता चला गया और यहां के लोगों को गुलाम बनाकर उसने अपनी ताकत कई गुना बढ़ा ली। अब उसी मोसुल में घुस चुकी इराकी सेना से बचने के लिए बगदादी किसी बिल में छुपा हुआ है। खैर, अब वो दिन दूर नहीं जब बगदादी के साम्राज्य में उसकी एक निशा तक नहीं बचेगी, क्योंकि इराकी और कुर्दिश लड़ाकों ने जिस तरह से आतंक के इस गढ़ पर धावा बोला है उससे बगदादी और उसके चेलों का बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। रिपोर्ट समाचार। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।